जायका वर्ल्ड कप में आपका स्वागत है और अब हम विद दिस लवली मॉम विमकी एयर विमकी गारिया वी आर गोइंग टू डू हर सेकंड रेसिपी थाई का सबसे फेमस रेसिपी परथा है राइट थाईलैंड की सबसे फेमस रेसिपी है ये बहुत टेस्टी होती है इनफैक्ट बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये वाली सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी विमकी यस श्योर तो इसमें सबसे पहले हम ड्रेसिंग बनाते हैं इसकी इसमें वी यूज टैमरिंड पेस्ट रेगुलर टैमरिंड पेस्ट अबाउट 2 स्पून्स रेगुलर जो हम घर में बनाते हैं राइट यस हाँ हाँ देन 2 स्पून्स ऑफ सोया सॉस ओके सम ब्राउन शुगर ओके कितना हम डालेंगे 2 टीस्पून्स अगेन 2 टीस्पून्स ओके एंड 1 टीस्पून ऑफ चिली सॉस डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पाइसी यू वांट इट ओके रेड चिली सॉस गिव इट अ गुड मिक्स एड सम वाटर इन इट जस्ट टू मेक इट लिटिल लिक्विडी ओके विमकी लव्स टू कुक इंटरनेशनल वेज कुजीन की रेसिपीज इनफैक्ट आप उनको कोई भी वेज कुजीन इंटरनेशनल कुजीन की वेज रेसिपी बोलिए एंड शी कैन मेक इट फॉर यू दैट्स मच दैट्स हाउ मच शी लव्स टू कुक आई एम श्योर विच इज़ योर किड्स फेवरेट माय किड्स लव मेडिटेरेनियन फूड मेडिटेरेनियन तो फलाफल आपकी रेसिपी बहुत बड़ी हिट है दे लव हमस एंड फलाफल यस हमस एंड फलाफल एंड परथा आई लव सो दैट वाज माय रिक्वेस्ट परथा इज आल्सो वेरी टेस्टी सो लेट्स सी अभी हम बस ड्रेसिंग बना रहे हैं झटपट बनने वाली है सो इसका टेस्ट बेसिकली इट शुड बी अ गुड बैलेंस ऑफ सार स्वीट सॉल्टी हां हां एंड टैंगी एंड टैंगी ओके एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट We are also adding sugar here. Yeah, it is as per taste. Best part about Vimki's cooking, what I liked is कि वो बिल्कुल Indian version आपके लिए लेके आती हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके पास ingredients क्या पता Thai cuisine के हों या नहीं हो तो झटपट आप कैसे बना सकते हैं That's the best part about her recipes that I like. So I usually use sesame oil for this recipe because sesame oil is what is what matches to Asian cuisine. Okay. But आप vegetable oil भी use कर सकते हैं अच्छा एंड ये हमने ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच तेल डाला है 2 टेबल स्पून वी यूज्ड ओके एक वॉक में बनाते हैं सो इट्स इजियर जैसे ही गरम हो जाए आई विल बी पुटिंग सम गार्लिक इन इट फर्स्ट गार्लिक इन इट अगर वॉक नहीं हो विमकी सो व्हाट इज द अदर कढ़ाई रेगुलर कढ़ाई में भी बना सकते हैं राइट तो ये सबसे अच्छी बात है कि उनके पास सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आप सभी मॉम्स के लिए एंड वी हैव एडेड हाउ मच 5 to 6 cloves of garlic. Okay. So you could add tofu in it, but I'm adding some paneer here. क्योंकि tofu भी easily available नहीं होता हर city में तो आप इसमें पनीर डालिए बच्चों को पनीर भी अच्छा लगता है टोफू भी आप डाल सकते हैं जस्ट थोड़ा सा ब्राउन करना है इसको बिफोर वी एड द सॉस Here at this point you can add any vegetables you want like carrots, beans, onions, capsicums, anything. However nutritious you want to make it, you can do it that way. Okay. मैं एक बहुत फटाफट वाली रेसिपी सिखा रही हूँ हाँ बट अगर लाइक ये अगर थाई कुजीन में देखा जाए तो व्हाट आर द वेजिटेबल्स दैट दे वुड ऐड दे ऐड अनियन कैप्सिकम बीन स्प्राउट्स एक मूंग बीन जैसी होती है मिलती है एंड टोफू And tofu. And herbs में they use bok choy. But I'll be using spring onions. Spring onions. So ये देखिए यही खासियत है best part about her cooking like I said कि वो आपको वो बताएंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होगा She can easily make it with bok choy also. She can easily make it with bean sprouts also. Yes. But this. So at at this point we'll be adding some sauce here. थोड़ा थोड़ा sauce add करना है. Okay. And these are so basically these are rice noodles acha which are boiled but ye pura boil nahi karte hu isko thoda sa khada khada rakhte hai can you see it to kitne minute mein boil karna hoga 3 to 4 minutes 3 to 4 minutes because in water these are rice noodles so they cook very very fast acha so ye market mein se hum la sakte hain aur usko 3 to 4 minutes rice noodles okay add some sauce here okay these are called thai rice noodles yahan pe यहाँ पे मैं गैस कम करूँगी एक चिपक गए तो इनको ऐसे अपने को टॉस करना है 2 स्पून से तो आप इनको फ्रेश गरम करके और फिर आप इसमें डालिए तो वो थोड़ा और सॉफ्ट करें ओके okay.
इसको अपन ऐसे टॉस करेंगे जैसे अपने सैलेड टॉस करेंगे वैसे ही. ओके, सो दैट द लिक्विड गोज इनसाइड ईच नूडल. अच्छा, एंड खासियत ये है कि दो स्पून हमने यहाँ पे लिए हैं, राइट, इसको टॉस करने के लिए. यस, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. और ये आप ऐसी रेसिपी आज इनके आपको दिखा रही हैं जो आप अभी बस थाई राइस नूडल्स आई है और आप फटाफट बना सकते हैं. गाइस प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का पे, क्योंकि हम अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही के जैसे मॉम्स की किचन्स में जाके. इस पॉइंट पे अपने सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट. ओके, सम पेपर, सम पीनट्स, क्रश्ड पीनट्स, रोस्टेड क्रश्ड पीनट्स, रोस्टेड क्रश्ड पीनट्स. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेसिपी. एंड सम स्प्रिंग अनियंस, मूंगफली. यस, मूंगफली इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखिए घर में गेस्ट आए हैं तो आप उनको पढ़ाई फटाफट बना के खिला सकते हैं. बच्चों के लिए भी अच्छा है, इसमें पनीर, पीनट्स हैं, स्प्रिंग अनियंस हैं, तो बच्चों के लिए कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर है. आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए. झटपट बनने वाला ये स्नैक हमने 6 मिनट में बनाया, देखिए आपके लिए. जब तक देखिए, तो आपका पड़थाई इज रेडी फटाफट एकदम इंडियन स्टाइल में. हर इंग्रेडिएंट इजीली अवेलेबल है, बस थाई राइस नूडल्स आप लेके आ जाइए बाहर से और आप बना सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, बताइए कहाँ कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं. वी वुड लव टू नो. लुकिंग सो नाइस एंड डिलीशियस. और मूंगफली डालना मत भूलिएगा, इट डेफिनेटली एड्स अ. सो ये देखिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मूंगफली इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि उससे इसके टेस्ट में निखार आ जाता है और बहुत ही जिंग ऐड कर देता है इसके टेस्ट में. एंड दिस इज अ लाइम वेज, जो जस्ट सर्व इट विद अ लाइम वेज, सो पीपल कैन जस्ट पोटेटेड एंड गर्मा गर्म आप खा सकते हैं. लव दिस रेसिपी विम की है. दिस इज, देखिए कितनी झटपट आसानी से अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स में आपको पड़थाई बनाना सिखा दिया है. इसको खाइए, एंजॉय करिए अपने फैमिली के संग. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. प्लीज डू लाइक द वीडियो. आई सी यू टुमारो एवरीवन. बाय बाय.